बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अर्बन टिप्स एंड ट्रिक्स दैट मेड लाइफ इजी। आज हम अपने चैनल पर आपके लिए एक इजी और ट्रिकी किस्म की रेसिपी लेकर आए हैं। अक्सर आपका ऐसा होता है कि सर्दी में सूप पीने का दिल चाह रहा होता है, लेकिन फौरी तौर पे उसको चिकन को बाज़ार से लाना, फिर उसको वॉश करना, फिर उसकी यखनी बनाना, तो ये काफ़ी जो है टाइम लेने वाला काम है। तो इसको आज हम आपको इजी बनाने का तरीका बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप सूप की बेस बनाकर फ्रीज़र में उसको फ्रीज कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे तो उससे आप सूप रेडी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए फिर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसके लिए हमें किन किन अज्जा की ज़रूरत होगी। इस गोश्त को, अदरक लहसुन के पेस्ट को और ये नमक डालकर हम इसमें तकरीबन एक गिलास के करीब पानी डालेंगे और गोश्त को अच्छे से टेंडर कर लेंगे, या ये समझ लें कि इस गोश्त की हमने सिंपल यखनी रेडी करनी है। आप देख सकते हैं हमने चिकन की यखनी रेडी कर ली है और इसमें से हमने बोटियां अलग कर ली हैं, और इस यखनी को हमने स्ट्रेनर में से अच्छे से छान लिया है। जो लहसुन अदरक का जो थोड़ा सा भी मोटा मोटा था वो इसमें से निकल गया, अब ये बिल्कुल बारीक फॉर्म में हमारे पास आ गया। और चिकन को हमने इतना टेंडर किया कि उसका जो है रेशा बन जाए आराम से, इतना हमने गलाया। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इस पे से हम बोटियां सारी उतार लेंगे। चिकन का रेशा हम हड्डियों पर से अलग कर चुके हैं, ये देखें अच्छे तरीके से सारा ये रेशा इसमें से अलग हो गया है। और अगर हम चाहते तो इसके लिए, सूप के लिए, हम बोनलेस चिकन भी ले सकते थे, लेकिन आप हमेशा बोन्स के साथ ही लिया करें चिकन, क्योंकि हड्डियों में भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सूप बेस की रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। ये हमारा सूप बेस बिल्कुल तैयार है। इसको अब अगर आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर और एग्स और वेजिटेबल वगैरह डालकर सूप बना सकते हैं, और अगर आप इसको चाहें तो आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। आपने इसको फ्रीज़र में ऐसे ही जमा देना है, फ्रीज कर देना है। जब आपको ज़रूरत होगी सूप की, इसको बाहर निकालें, इसको बॉयल आने दें और इसमें कॉर्नफ्लोर और एग डालकर इंजॉय करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की बहुत ही इजी और ट्रिकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।